भारतीय परिवारों में दादी नानी के नुस्खे आमतौर पर काफी कारगर साबित होते हैं। ऐसा ही एक नुस्खा है प्रेगनेंसी के समय खाने वाले लड्डू। यह लड्डू कोई आम लड्डू नहीं होता है। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं के लिए मुख्य रूप से इस लड्डू को बनाया जाता है। इस लड्डू में गुड़, खजूर, ड्राई फ्रूट, सौंठ इत्यादि चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे शरीर में हर जरूरी पोषण मिलता रहे। इसी के बाद महिलाओं का शरीर काफी कमजोर हो जाता है। ऐसे में उन्हें खान पान का खास ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें लड्डू काफी कारगर साबित होता है। आमतौर पर महिलाओं के शरीर में कैल्शियम, आयरन, फाइबर इत्यादि चीजों की कमी पाई जाती है, पर यह लड्डू खाने से आपके शरीर की कमी दूर होने लगती है और शरीर में हो रहे दर्द से भी छुटकारा मिलता है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा राजीव जैन। यहाँ ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, प्रेगनेंसी के बाद जो खाए जाते हैं वो लड्डू हैं, और शुगर फ्री लड्डू भी हैं जो कि सभी तरह के ताकतवर रहते हैं। सफ़ेद मूसली का लड्डू है जो कि ताकतवर रहते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए, हाथ पैरों जोड़ों में दर्द के लिए भी रहता है। जी, तो जैसे आपने बताया आपके पास प्रेगनेंसी के लड्डू हैं, तो ये प्रेगनेंसी के लड्डू क्या होते हैं? प्रेगनेंसी के लड्डू का बेस होता है गुड़ होता है, उसमें सफ़ेद मूसली, गोंद, ड्राई फ्रूट सभी तरह के और दवाइयाँ होती हैं कुछ जो डलती हैं वो डलती हैं इसमें। जी, तो इसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है और कब खाया जाता है इसे? वो तो आफ्टर प्रेगनेंसी खाया जाता है और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद खाया जाता है। और इसमें फ़ायदा ये रहता है कि किसी भी तरह का जोड़ों में दर्द नहीं रहता बच्चा जिसको होता है, और सभी तरह के ताकतवर चीज़ें रहती हैं तो उससे ताकत भी आती है जो कि बहुत ज़रूरी रहता है महिलाओं को। जी, तो जैसे आपके पास ठंड में खाने वाले भी एक लड्डू? हाँ, ठंड में भी खा सकते हैं, उसका भी है, उसमें दवाइयाँ कम मात्रा में रहती है, जो डिलीवरी बाद खाते हैं दवाइयाँ वो नहीं रहती उसमें, तो वो आम आदमी खा सकता है ठंड में, तो उससे जोड़ों के दर्द वगैरह सब ठीक होते हैं, ताकतवर रहता है। शुगर फ्री लड्डू है, इनके कैसे बने हुए हैं? शुगर फ्री जो लड्डू बना है खजूर के बेस बनता है, उसमें ना गुड़ होता है ना शक्कर होती है, वो बाकी सब ड्राई फ्रूट रहता है, गोंद वगैरह रहता है, और खजूर जो है कि शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं इसलिए शुगर बेस बनता है। तो ये लड्डू बनता किन किन चीज़ों से है? सभी आइटम रहते हैं उसमें, ड्राई फ्रूट वगैरह सब तरह की चीज़ रहती है और घर पर बनाए जाते हैं। शरीर में क्या फ़ायदे होते हैं? शरीर में फ़ायदे ये रहते हैं कि खून में बढ़ोतरी करता है और आपके ताकत तो देता ही है, और सभी चीज़ों को मैं अच्छा महसूस करता है व्यक्ति, अगर बुजुर्ग आदमी तो और अच्छा रहता है उसके लिए। तो ये कितने रुपये के मिल रहे हैं आप? यहाँ सौंठ का लड्डू जो है वो 560 रुपये किलो है, मेथी का है 560 रुपये किलो, और शुगर फ्री लड्डू है एक 800 रुपये किलो वाला है, और एक शुगर फ्री अजुआ खजूर से बनता है जो कि काफ़ी महंगी आती है खजूर, वो 1200 रुपये किलो। ये अजुआ खजूर क्या होता है? अजुआ खजूर अच्छी स्पेशल खजूर रहती है जो कि सबसे महंगी आती है, वहाँ से होलसेल में 800 रुपये किलो आता है वो भाई। जी, तो जैसे ये जो आप लड्डू बनाते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डलता है, खजूर डलता है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें डलती हैं? कुछ दवाइयाँ रहती हैं ऐसी, मूसली मूसली वगैरह रहती है, गोंद रहता है जो कि अच्छी ताकत देता है ठंड में खाने के लिए, अच्छा रहता है, सितावर रहता है, अश्वगंधा रहता है, सभी चीज़ें। तो क्या इससे कोई साइड इफेक्ट भी होता है? नहीं, साइड इफेक्ट कोई नहीं, सब पुरानी परंपरा संस्कृति के आधार पर है, बरसों से 5000 वर्षों से लोग खा रहे हैं, तो इससे कोई साइड इफेक्ट अभी तो हुआ नहीं किसी को। अगर किसी को आपसे लड्डू खरीदना हो तो किस प्रकार खरीदें? हमारे यहाँ भोपाल में जुमराती जो फेमस जगह है सिटी की, उसमें है मेन मार्केट में दुकान नथमल राकेश कुमार के नाम से, वहाँ सभी चीज़ें उपलब्ध मिलेगी आपको, लड्डू सभी तरह के और सभी तरह की जड़ी बूटियाँ, सभी तरह का ड्राई फ्रूट, और होम डिलीवरी भी करते हैं। और किस प्रकार आप ये लड्डू को तैयार करते हैं? लड्डू लड्डू बनाता कौन है? लड्डू हमारी मम्मी बनवाती है अपने उसमें मार्गदर्शन में, वो भाईजें बनाती हैं लेकिन मार्गदर्शन पूरा मम्मी का रहता है, घर में ही तैयार होते हैं, विशेष उसका साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है, और हम जैन लोग हैं, जैन लोग बहुत विशेष ध्यान रखते हैं जिससे कि साफ सफाई से बने, किसी तरह कोई उसमें नहीं आया कचरा मचरा ये कुछ नहीं।